तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक वायरल मीम के हिडन रियलिटी के बारे में। तो गाइस, रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया है। आपने कुछ दिन पहले ट्विटर या इंस्टाग्राम पर इस पर्सन के मीम जरूर देखे होंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बेसिकली यह एक एडल्ट वीडियो है। अब जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये जो पर्सन है वो सुसाइड वगैरह कर लिए हैं। बट कल से इनके रिलेटेड एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पर कुछ लोग इन्हें घेर लिए थे और वो लोग इन पे काफी ज्यादा गुस्सा थे। पहले आप लोग ये वीडियो जिनको समझ नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि बेसिकली वो बंदा ये कह रहा था कि वो वीडियो कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड था एंड मैंने उस वीडियो को वायरल नहीं किया। मेरा काम है ऐसे वीडियोज को बनाना एंड मैं इन्हें बेचता हूँ टू अर्न मनी। तो यार चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजवीर फिटनेस वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो क्या राजवीर फिटनेस एजाज खान से डर गए थे मुंबई जाकर? बेसिकली मुंबई में इनका फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती, जबकि एजाज खान उनके होटल में भी गए थे। तो ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे लोग राजवीर को जाकर बोलने लगे कि भाई आप तो डर गए। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो सब लोग यही भर दिए। तो इन लोगों को रिप्लाई देते हुए उन्होंने एक नया रील अपलोड किया, जहां पर वो ये बोले, भाई एक दो जो ये चिलांडू मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम मुंबई गए, तुमसे उम्मीद ना थी, ये वो, भाई जिंदगी में कभी पंगा करना और दूसरे स्टेट में जब तुम्हें पता हो तुम्हारा इंतजार हो रहा है पांव रख के दिखाना, तब मानूंगा। ये ना फटके से आत्मा जाती है, कमेंट में और मैसेजों में कोई भी मुंह चला दे। कल भी गया हूँ, आगे भी जाऊंगा, बता के जाऊंगा, नंबर मेरे पास आ गया है। इस बार डीएम करके सीधे व्हाट्सएप करके कि भाई इतने बजे उतरूंगा, इतने बजे आऊंगा, इतने बजे मिलूंगा, बता कहाँ है, ठीक है, दिखा दूंगा। अबे भाई जो साथ में बंदे होते हैं ना उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेट, एक सेकंड लगे कंप्लेंट होने में कि यूपी हरियाणा से आके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेजी के बारे में। नेजी एक पर्टिकुलर चीज सुनकर रिपोर्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दरअसल बिग बॉस के घर में कुछ रिपोर्टर आए थे सवाल पूछने कंटेस्टेंट से। तो एक रिपोर्टर रैंडमली नेजी से सवाल पूछ लिया कि बिहार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ में, जिस पर वो रिप्लाई दिए कि क्या कुछ भी क्या बोल रहा है। तो रिपोर्टर फिर से पूछते है कि बिल्कुल नहीं, देयर इज नो फीलिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू। तो नेजी बोलते है कि प्यार में सबसे करता हूँ और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर रिपोर्टर उन्हें बोलते है कि आप मुझे ऐसा धमकी नहीं दे सकते। तो नेजी बोलते तू बोल रहा है, मेरे को प्यार है और ये सब। रिपोर्टर कहते हैं आपको जवाब नहीं देना, मत दीजिए, बट आप तमीज से बोलिए। एनीवेज हम बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी रौतेला, आपने प्राइवेट लीक वीडियो के बारे में बात की? जी हाँ गाइज, कुछ दिन पहले उनका मूवी का एक सेगमेंट को क्रॉप करके क्लिप को वायरल कर दिया गया था, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हो गया। बट उर्वशी रौतेला कैसा फील की थी जब ये वायरल जाने लगा था, आप खुद सुन लीजिए। पर धीरे धीरे यू नो एंटायर ऑडियंसेस एंड सभी लोग, माय फोन वाज रिंगिंग नॉन स्टॉप। हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है।